क्या है केंद्र सरकार की ये योजना, कैसे आप चेक कर सकते हैं पात्रता। आज की तारीख में हमारे आसपास कई प्रकार की बीमारियां और वायरस आए दिन पनपते रहते हैं और हमारे साथ साथ ही वो भी माहौल में घुले मिले रहते हैं, जो हमें बहुत ही कम समय में अपना शिकार बना लेते हैं। इसके बाद काफी दवाओं का सेवन करना पड़ता है, लंबे इलाज प्रक्रिया से आदमी को गुजरना पड़ता है और कई बार तो हालात नाजुक होने पर या गंभीर होने पर आदमी को अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ता है। इस पूरे इलाज के दौरान एक लंबा चौड़ा बिल आदमी को अस्पताल द्वारा थमा दिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर अस्पताल में जाने पर बीमारी का खर्च बढ़ चढ़कर आता ही आता है। हर किसी के लिए उस खर्च को उठा पाना मुमकिन नहीं होता, उसे कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस बिल को चुकाने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम अब बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना कर दिया गया है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये योजना क्या है और लोगों को इसका लाभ क्या मिलता है। इस योजना का नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना है। इस योजना का उद्देश्य हर गरीब व्यक्ति और जरूरतमंद पात्र लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं देने का है। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की और अब कई राज्य सरकारें इस योजना को अपने अपने राज्यों में लागू कर चुकी हैं और वहां के लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बात अगर योजना से मिलने वाले लाभों की करें तो जो लोग पात्र हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। जी हाँ, इसके बाद कार्ड धारक अपनी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। पात्रता चेक करने के लिए आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आपको इस योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है, फिर वहां जाकर एम आई एलिजिबल के विकल्प पर क्लिक करना है। अब पोर्टल आपको एक OTP भेजेगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। आपको वो OTP लेना है और उसे दर्ज करना है। फिर 2 विकल्प नजर आएंगे, जिसमें पहले में अपना राज्य चुन लें और दूसरे में राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर से सर्च करें। इसके बाद आपको पात्रता का पता चल जाएगा। पात्र लोगों को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होता है और अपने साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और एक मोबाइल नंबर साथ लेकर जाना होता है। फिर आपके दस्तावेजों की जांच और सत्यापन होता है। सब कुछ सही पाए जाने के 10 से 15 दिन के अंदर आपको आपका आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाता है। फिर यदि आप बीमार पड़ते हैं और आपको अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की नौबत का सामना करना पड़ता है तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा आपको उस अस्पताल में मिल जाएगी अगर वो अस्पताल आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले आपको अस्पताल में जाते ही अपना कार्ड अस्पताल के अधिकारियों को दिखाकर उनसे ये जानकारी प्राप्त करनी होगी कि क्या उनका अस्पताल आयुष्मान योजना से संबंधित है या नहीं। अगर है तो फिर आप उसमें निश्चिंत भर्ती हो सकते हैं और 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का फायदा उठा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही।